नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुटेक में। AKTU के सभी छात्रों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, आप किसी भी कोर्स के छात्र हों, किसी भी ईयर के, इट डजेंट मैटर। वीडियो और नोटिस सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम को लेकर और एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर क्या बड़ी सूचना आई है। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, AKTU से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल यानी कि AKTU का नया पोर्टल है, जिसमें आपको बता दूं कि सभी छात्रों को ये बताया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को यहाँ पे आज 11 बजे मीटिंग हुई और मीटिंग में निर्धारण किया गया है कि समर्थ पोर्टल पर आप लोगों का ID पासवर्ड होना ज़रूरी है। और लॉगिन किस लिए करना है वो अगले सर्कुलर में मेंशन है, चले उस पर बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19/10/2024 यानी कि आज की डेट में जस्ट कुछ टाइम पहले यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है AKTU की तरफ से समर्थ पोर्टल पर छात्र छात्राओं के लॉगिन किए जाने के संबंध में। और यहाँ पे बताया गया है कि 24 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के पास, अगर आप सत्र 2024-25 के और सेमेस्टर के समस्त परीक्षा फॉर्म जो हैं वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि अगर आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको AKTU के समर्थ पोर्टल पर लॉगिन होना ज़रूरी है। अगर आपका लॉगिन है तो ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और लॉगिन बनाने की जो आखिरी तिथि है वो है 24 अक्टूबर 2024। तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग शीघ्र यहाँ पर जाओ स्टूडेंट पोर्टल पर, समझ गए, AKTU समर्थ टाइप करके आप सर्च करो, डायरेक्टली आप स्टूडेंट पोर्टल पे आ जाओगे, वहाँ से साइन इन कर लेना है और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, अपना मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अपनी ID बना लेनी है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो बहुत जल्द मैं एक कम्प्लीट वीडियो लाऊँगा जिसमें किस तरीके से छात्रों को अपनी ID बनानी है इस पर बात करूँगा। बाकी का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर।